वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग वीडियो में। आज हम आए हैं पटना का गोलघर और आज हम आपको दिखाते हैं पटना का गोलघर का नज़ारा कैसा है। तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ का पार्क जो है काफ़ी सुंदर है। तो चलिए हम आपको बैक कैमरे से यहाँ का पूरा दीदार कराते हैं और पूरा नज़ारा आपको दिखाते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने। आप देख सकते हैं हमारे पीछे यह है गोलघर और काफ़ी सुंदर है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है और यहाँ का जो कि पार्क का नज़ारा भी काफ़ी खूबसूरत है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ का जो नज़ारा है काफ़ी सुंदर है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि पटना का गोलघर काफ़ी सुंदर है और काफ़ी बढ़िया है। मैं फर्स्ट बार आया हूँ पटना का गोलघर और आप देख सकते हैं यहाँ का जो नज़ारा है पार्क का काफ़ी सुंदर है, देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है और हम अभी यहाँ घूम रहे हैं। काफ़ी सुंदर यहाँ का नज़ारा है, अगर आप सब भी आना चाहते हैं तो ज़रूर आइएगा। यहाँ का जो किराया है मात्र जो है कि आपको 10 रुपया लगेगा और पार्क में आप आनंद ले सकते हैं। 10 रुपये का टिकट कटाइए और फिर पार्क में आके आनंद लीजिए। तो आप गोलघर का नज़ारा देखते हैं, उस पेड़ के नीचे आपको गोलघर का नज़ारा मिलेगा। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम अभी चलते हैं गोलघर नज़दीक और आपको वहाँ से दिखाते हैं वहाँ का कुछ नज़ारा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा काफ़ी सुंदर है, काफ़ी मस्त है, यहाँ घूमने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ का जो नज़ारा है काफ़ी सुंदर और काफ़ी मस्त है। तो आपको हम दिखा दें यहाँ का कुछ नज़ारा, देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी हम चलते हैं घर की ओर और आपको हम दिखा दिए यहाँ का जो नज़ारा काफ़ी खूबसूरत था और गोलघर का नज़ारा आप हमारे पीछे देख सकते हैं। यह गोलघर काफ़ी सुंदर है और आप सब अगर आना चाहते हैं तो पटना आइए तो ज़रूर गोलघर घूमिएगा। और इसका जो बता दें प्राइज है वह 10 रुपया है, आपको यहाँ 10 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा और फिर आप इसमें आके घूम सकते हैं। यहाँ का जो नज़ारा है काफ़ी सुंदर है, काफ़ी मस्त है और हम वो आपको वीडियो में हम दिखा ही दिए। तो चलिए हम अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।